हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इंग्लिश लिटरेचर की आपको क्लास नंबर 10 प्रोवाइड की जा रही है, और इसमें इंग्लिश लिटरेचर के जो भी लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और प्रिस्क्राइब राइटर्स हैं वेरियस एग्ज़ाम्स में, जैसे TGT, PGT, NVS, KVS, ठीक है। तो ऐसे राइटर्स को से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तथा उससे रिलेटेड चारों ऑप्शंस का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और आपको एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश है, ताकि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरिकल पॉइंट्स तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। आप जान रहे हैं, जो कि एक रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन नॉवलिस्ट, विक्टोरियन पोएट थे, और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से जाने जाते हैं। सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग, इसका मतलब ये है, ब्राउनिंग को नहीं, ब्राउनिंग के वर्क की बात हो रही है, ठीक है। पोएम्स ऑफ ब्राउनिंग की बात हो रही है, ठीक ना। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में पन का यूज़ नहीं किया जाता, मेटोनमी का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीमोरन दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, और मेटाफर किसी चीज़ को कोई चीज़ कह देना। तो यहाँ पर ब्राउनिंग का मतलब है कि ब्राउनिंग की कविताएं, और मेटोनमी को हम सभी जानते हैं, नेम चेंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेम चेंज को मेटोनमी कहते हैं, और इसी से मिलता जुलता फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिनेकडॉकी, जिसमें हम सभी अ पार्ट ऑफ यूज्ड फॉर होल, या अ होल यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब अगर आपको कार कहना है तो कार ना कह के कार के चारों पहियों की बात कर दें, तो यहाँ पर कार का जिक्र होता है, ये सिनेकडॉकी होता है। और मेटोनमी में नेम चेंज, जैसे अगर आपको राजा कहना है तो आप राजा ना कहें, राजा के जगह पे क्राउन कह दें। यदि आपको कहना है प्रेसिडेंट, तो आप प्रेसिडेंट के जगह पे वाइट हाउस का यूज़ कर सकते हैं, ये मेटोनमी होता है। और जो पन होता है फ्रेंड्स, तो पन में हम सभी को एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। जैसे ज़िंदगी क्या है, ये लीवर पर निर्भर करती है। लीवर मींस क्या, ये लीवर एक ऑर्गन है, और दूसरा है जीने वाला, ठीक है। इस तरीके से आई एन एम्बेसडर लाइज हिज कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लाइज के दो अर्थ हैं, एक है बात को रखना, एक दूसरा है रहना और झूठ बोलना। तो यहाँ पर पन होगा, ठीक है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड होते हैं, मेटाफर में किसी चीज़ को कोई चीज़ कह देना। तो इस सेंटेंस में मेटोनमी अपना करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ना पढ़ने का तात्पर्य है, या पढ़ने का तात्पर्य है रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोयम को जानना। तो आई होप आपको ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हेमलेट लाइंग वाउंडेड सेज टू हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड कौन था, होरेशियो, आई एम डेड। यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है, ऑप्शन ले लें, पन, अंडर स्टेटमेंट सॉरी प्रोलेप्सिस और ऑक्सीमोरन। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो पन होता है, अभी आपको बताया गया, पन एक जो है फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसका मीन्स होता है प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब शब्दों से खेल करना, यानी शब्द के माध्यम से जो है कोई भी बात रखना, उसको एम्बिग्यूटी भी कहते हैं, एक शब्द के दो मीनिंग, ठीक है। हिंदी में श्लेष अलंकार कहा जाता है। अंडर स्टेटमेंट मीन्स होता है किसी बड़ी बात को छोटी सी बात को बात में कहना, जैसे बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, महायुद्ध हो जाए, और कह दिया जाए उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो गई, तो ये अंडर स्टेटमेंट हो गया। और प्रोलेप्सिस का मीन्स होता है पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान यहाँ पर हो जाएगा, और पूर्वानुमान का मतलब है, पूर्वानुमान यहाँ पर इसका मतलब है कि पहले से ही आभास हो जाना किसी चीज़ का। तो हेमलेट, जिसको जहर बुझी हुई तलवार से लार्टीज वार करता है, ओफिलिया का भाई है, पोलोनियस का बेटा है, और क्लॉडियस ने इसको हेमलेट के खिलाफ भड़का दिया है, तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं प्रोलेप्सिस है, जिसका मीन्स होता है पूर्वानुमान, मीन्स मैं मर रहा हूँ, इसका मतलब वह मृत्यु से पहले ही कह रहा है मैं मर गया हूँ, आई एम डेड।
तो यहाँ पर ये होगा। ऑक्सीमोरन में दो विरोधाभास वर्ड होते हैं, तो ये हम सभी को पता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें फ्रेंड्स, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस निजीमिजिकिल। निजीमिजिकिल की बात करें तो ये इनके लिए बेने इजराइल वर्ड होता है ना, बेने इरेसेल ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, बेने इजराइल, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये इनका ज्यूइश ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि ये यहूदी थे। बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था मुंबई में। तो इनके लिए यूज़ होता है बेने इजराइल शब्द। ये इनका अगर देखें लाइफ स्पेंड तो 16 दिसंबर से लेकर के आप जो है कह सकते हैं 1924 में जन्मे थे और 2004 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका निजीमिजिकिल का हम सभी जान गए, ठीक ना। और इनका ये बाई बर्थ ज्यू थे, तो ही वाज ज्यू बाई बर्थ, ठीक है ना, ही वाज ज्यू बाई बर्थ। इसके बाद देखेंगे ही वाज फॉन्ड ऑफ रियलिज्म। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ही वाज फॉन्ड ऑफ रियलिज्म, फॉन्ड ऑफ रियलिज्म, ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रियलिज्म। इसके बाद हम सभी देखेंगे 60 पोयम जो कि इनका वॉल्यूम था। ये पहली बार 60 पोयम्स 1953 में आया और दूसरी बार द थर्ड, ठीक है, इसको आप देख लें, द थर्ड आया 1959 में। तो आई होप आपको ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन करने चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे विच वन इज अ नॉवेल बाय फकनर अमंग द फॉलोइंग। बताएं विलियम फकनर की यहाँ पे बात हो रही है, विलियम फकनर ने कौन सा इसमें से लिखा था, फटाफट बताएं। पहला ऑप्शन है द ओल्ड मैन एंड द सी, दूसरा ऑप्शन हम सभी को मिल रहा है द सन ऑल्सो राइजेस, तीसरा ऑप्शन द साउंड एंड द फरी, और चौथा ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बताएं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कौन सा इसमें है जो कि विलियम फकनर के द्वारा लिखा गया है। तो इनका अगर आप सभी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये अमेरिकन है, ठीक है, ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं एंड 1897 में इनका बर्थ होता है और 1962 में इनका जो है मृत्यु होता है, 1897 टू 1962 ये विलियम फकनर हैं, ठीक है। और इनका जो है इसको आप देखिएगा, इन्होंने अपने नाम में यू जोड़ा था, पहले इनका नाम था एफ ए एल इसके बाद के एन ई आर, बट इनको ये पसंद नहीं आया तो इन्होंने अपने नाम में एफ ए यू एल के एन ई आर कर लिया, तो यू इन्होंने अपने मन से जोड़ा था, ठीक है, ये है। तो अब ओल्ड मैन डेंसी की बात करें तो ये किसका है, यस फ्रेंड्स ये विलियम फकनर का नहीं है, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। और ये क्या है 1951 में इसको लिखा गया और 1952 में इसको पब्लिश किया गया, ठीक है, और इसी वजह से इनको पुलित्जर प्राइज तथा इनको नोबल प्राइज 1954 में मिला था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला चलते हैं सन आल्सो राइजेस, तो ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे का है और 1926 में आया था। एग्ज़ाम में ऐसे मैच कराने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 को और सॉरी द सन ऑल्सो राइजेज 1926 को आया था ना। और साउंड एंड द फरी की बात करें फ्रेंड्स तो यही विलियम फकनर का है और ये 1929 में आया था। ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द साउंड एंड द फरी 1929 में लिखा गया था, आई मीन टू से पब्लिश भी हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं साउंड एंड द फरी 1929
29 को। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात करें तो ये बच्चों निजी मिजिकिल का है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजी मिजिकिल का है, जिसमें उनको मदर को बिच्छू डंक मार दिया था और उस डंक मारने की वजह से उन्होंने, या ऐसा कहा जाता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में पोएट की ही मदर रहती हैं। इनका अगर हम सभी बात करें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की, तो हम सभी को मिल जाएगा ये 1924 में इनका जन्म होता है और 2014 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ की सेटिंग है, तो ग्रामीण सेटिंग है, यानी कि रूरल सेटिंग है, ठीक है। इस तरीके से हम सभी को मिल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन, तो बताएंगे साइलॉक शेक्सपियर के किस जो है प्ले का हिस्सा है, बताइएगा। ऑप्शन ले लें 12th Night, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तीसरा ऑप्शन है एज यू लाइक इट, और चौथा ऑप्शन है हम सभी का कॉमेडी ऑफ एरर। बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 12th Night होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा, एज यू लाइक इट होगा, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर होगा। 12th Night देखेंगे, 12th Night की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये नहीं उत्तर है, यहाँ पर आंसर है मर्चेंट ऑफ वेनिस 1601 से लेके 1602 के बीच ये लिखा गया था ऐसा माना जाता है। और हम सभी बात करेंगे एज यू लाइक इट की, तो 1599 में इसको लिखा गया था एज यू लाइक इट को। और कॉमेडी ऑफ एरर की बात करते हैं तो कॉमेडी ऑफ एरर इन्होंने 1954 को पहली बार परफॉर्म करवाया था, 1594 को, यानी 1594 में, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, डेट एंड टाइम ऐसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1594 में इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था और तारीख भी लिख लें 28 दिसंबर को, ठीक है। ये सब फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें फ्रेंड्स, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 से लेकर के माना जाता है 1599 के बीच में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1599 के बीच में, और पहली बार परफॉर्म हुआ था 1605 में, ठीक है। 1605 में ये पहली बार परफॉर्म हुआ था। आई होप आपने ये सारे फैक्ट्स को समझ लिया होगा। अब हम सभी वापस आ जाते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस पर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम सभी बात करें तो इसका सोर्स जो है, इसको भी आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का, इसको ध्यान रखेंगे, द जीव ऑफ माल्टा, जीव ऑफ माल्टा इसका सोर्स है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है द जीव ऑफ माल्टा। अब सेटिंग की बात करें तो सेटिंग पार्टली इन वेनिस में है, जो इटली का एक शहर है, ठीक है, पार्टली इन वेनिस में है और पार्टली इन बेलमोंट में है, बेलमोंट में है। इसके बाद हम सभी देखेंगे तो सीट ऑफ पोर्शिया ऑन द कॉन्टिनेंट भी इसका जो है सेटिंग है, ठीक है। मेन कैरेक्टर की अगर हम सभी बात करेंगे तो ये साइलॉक जो है, ये साइलॉक एक यहूदी है, ठीक है, एक ज्यू है, और यहाँ पे जो एंटोनी है वो एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है, और इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया है विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस के माध्यम से। इसमें शाइलाक जो होता है उससे एंटोनी की बनती नहीं है, क्योंकि वो यहूदी था और ईसाइयों को उचित ब्याज पर ना दे करके अधिक ब्याज पर कर्ज देता था। एक बार की बात है कि उसका दोस्त जो बसनियो था वो पोर्शिया से शादी करना चाहता था। पोर्शिया जो है इसकी हीरोइन है, ठीक है, इस प्ले की। पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं बसनियों, और वो जाते हैं तो एंटोनियो के पास पैसे नहीं हैं, उनके सारे पैसे जहाज़ में लग गए हैं,
तो एंटोनियो जो है साइलाक से जाता है पैसे मांगने और अपना फ्लैश, यानी कि वो उसके बदले में कहता है कि मैं जो है मांस को पाउंड में लूंगा। और एंटोनी सोचते हैं कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन महीने ख़त्म हो जाते हैं। समय पूरा होने के बाद साइलाक पैसे लेने से मना कर देता है। फिर आप सभी देखते हैं इस साइला उसी बीच साइलाक की बेटी जो है वो भी जो है चली जाती है उसको धोखा दे करके। और ये मनी लेंडर है जो कि जेसिका इसकी बेटी का नाम है, जेसिका इसकी बेटी का नाम है, और ये धोखा दे करके शादी कर लेती है। इस तरीके से इसके साथ जो है ट्रेजडी होता है कि इसका सब चला जाता है, ठीक है। और इसको जुर्माना भी देना पड़ता है तथा इसकी संपत्ति इसकी बेटी को दे दी जाती है जो कि क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेती है। इस तरीके से शाइलाक ही जो है एक जिसके साथ जिसको जिसकी करनी का फल मिल जाता है, बाकी सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसीलिए इसको ट्रेजी कॉमेडी भी कहा गया है, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा गया है। ये सारे फैक्ट्स शायद आपको अच्छे से समझ में आए हों, नहीं तो फिर बाद में भी हम लोग अच्छे से इसको अकेले में जो है एक स्पेशल वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे बना दिया जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, ये लाइन कहाँ पर आता है, तो इसको देख लीजिएगा। ये लंदन 82 मिल्टन का एक जो है पोयम है, इसी में इसका जो है टू मिल्टन है या लंदन 1802 इसका टाइटल है। वी आर सो सेवन ये लिरिकल बैलेट में आता है जो कि 1798 ईस्वी में 23 पोयम के साथ 23 पोयम का कलेक्शन था, और जिसमें से 19 पोयम वर्ड्सवर्थ के से 4 पोयम एसटी कॉलरिज के थे, ठीक है। वी आर सेवन विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली पोयम है, वैसे ओवरऑल लिरिकल बैलेट की पहली पोयम है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ये जो है एसटी कॉलरिज की पहली पोयम, लिरिकल बैलेट की पहली पोयम है। और अंतिम पोयम की बात करें दोस्तों तो ये टिंटर्न एबी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिसमें 1798 में ये दूसरी बार विजिट करते हैं, पहली विजिट 1793 ईस्वी में करते हैं, वाई नदी के किनारे जाते हैं। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच की विद अस की बात करें तो ये एक प्रकार का ये एक सॉनेट है जिसमें ये मटेरियलिज्म को गलत कहते हैं और कहते हैं नेचुरलिज्म की तरफ सभी लोग चलें, नेचर जो कि हमारा है सभी लोग इसको भूल चुके हैं। ये 1802 में लिखा गया था, 1807 में पब्लिश हुआ था। आई होप फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है टू मिल्टन लंदन 1802। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कप, यहाँ पे द कप है, ये ड्रामा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें फ्रेंड्स तो 1850 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था, और 1892 तक ये पूरी उम्र जो है जब तक 1850 से लेकर के 92 तक रहे पूरे उम्र ये पोएट लॉरिएट पद पर बने रहे, तथा ये कप जो है इनका ये ट्रेजडी है, इसको आप ध्यान से कर लें एग्ज़ाम में आता है, द कप ट्रेजडी है, 1881 में इसको लिखा गया था, ठीक है। कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी नहीं है, ट्रेजडी नहीं है, ट्रेजी कॉमेडी नहीं है, ट्रेजडी तो है, मिस्ट्री प्ले भी नहीं है फ्रेंड्स। मिस्ट्री प्ले क्या होता था, शुरू में जब प्ले चलने लगा तो चर्च में परफॉर्म होता था, तो जो बाइबिल पर आधारित होता था, बेस्ड ऑन बाइबिल, ये मिस्ट्री प्ले होता था, और मिराकल प्ले होता था बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सेंट, और जो मोरेलिटी प्ले होता था वो वॉइस एंड वर्च्यू पर निर्भर करता था, सही गलत का भेद आम जनता को सिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। हु इज द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि अब एडवेंचर ऑफ यूलिसीज है। वैसे तो अगर यूलिसीज की बात करें तो यूलिसीज दो और है, कौन कौन सा, पहले तो एडवेंचर ऑफ यूलिसीज ये चिल्ड्रंस बुक है, बच्चों की किताब है, चार्ल्स लैम्ब तथा मैरी लैम्ब दोनों ने लिखा है। तात्पर्य ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है
क्योंकि ये भाई बहन चार्ल्स लैम तथा उनकी बहन मैरी लैम दोनों ने मिलकर लिखा था। अब हम दूसरे यूलिसीज की बात करें तो यूलिसीज जो कि पोयम है, ठीक है, और ये किसका है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का पोयम है यूलिसीज। ये हम सभी को देखने को मिलता है 1842 में इसको जो है लाया गया था और 1833 में लिखा गया, 42 में पब्लिश हुआ। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें ताकि आपको क्लासेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको धैर्य जरूर बनाना चाहिए। चलेंगे अब दूसरे यूलिसीज की बात करें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जेम्स जॉयसी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से भी जाने जाते हैं, 1922 में इन्होंने जेम्स जॉयसी एक नॉवेल लिखा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाउ मेनी एडिशन वर पब्लिश्ड इन पब्लिश्ड ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास में कितने एडिशन पब्लिश हुए थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 एडिशन पब्लिश हुए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 9 एडिशन पब्लिश हुए थे लीव्स ऑफ द ग्रास में, इसको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स चलिएगा, तो इसमें 9 एडिशन आए थे। 9 एडिशन में हम सभी देखते हैं कि अगर लीव्स ऑफ द ग्रास की बात करें तो ये वॉट विटमैन का, जो कि फ्री वर्स के फादर माने जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ फ्री वर्स, ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स तो वॉट विटमैन है। इनको हम सभी देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री है लीव्स ऑफ द ग्रास। और ये हम सभी को मिलेगा कि ये 12 पोयम जब पहला एडिशन आया था तो उसमें 12 पोयम्स थे, ठीक है, और इसके टोटल 9 एडिशन आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पब्लिश कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आप इसको लिख लें, 1855 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1855 में ये पब्लिश हुआ था। इट वॉज रिवाइज्ड मेनी टाइम्स, ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिवाइज किया गया था, तभी ना 9 एडिशन आया है। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, फ्री वर्स में लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गंगा इज अ पोयम बाई, तो बताएं, कमला दास, निजी म्यूजिकल, मुल्क राज आनंद और रविंद्रनाथ टैगोर, बताएं क्या सही होना चाहिए। कमला दास होना चाहिए, मुल्क राज आनंद होना चाहिए कि निजी म्यूजिकल होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप। यस बच्चों ध्यान रखें, कमला दास आंसर नहीं होंगी, क्योंकि कमला दास गंगा नाम के पोयम को नहीं लिखी हैं। कोई भी विद्यार्थी मुल्क राज आनंद को टच कर सकता है, बट मुल्क राज आनंद भी नहीं आंसर हैं, आंसर है निजी म्यूजिकल, ठीक है। मुल्क राज आनंद, कमला दास और रविंद्रनाथ टैगोर, ये तीनों लोग नहीं हैं। कमला दास का माई इंट्रोडक्शन बहुत फेमस है, जो एंते कथा के नाम से मलयालम भाषा में आया था। कमला दास की बात करें तो 1934 में इनका जन्म हुआ था, 2009 में इनकी मृत्यु होती है और 1999 में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेती हैं, उसके बाद अपना नाम कमला सुरैया रखती हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया है कि किसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया इस्लाम धर्म को, तथा अपना नाम क्या रखा, कब किया। और आगे फैक्ट्स की बात करते हैं। निजी म्यूजिकल की अगर हम सभी बात करें तो निजी म्यूजिकल का लाइफ स्पैम है 1924 से लेकर के 2004, मिलते जुलते ही सब हैं, कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है। और अगर मुल्क राज आनंद की बात करेंगे तो 1905 में इनका जो है बर्थ होता है और 2004 में इनकी भी मृत्यु होती है। और गंगा पोयम निजी म्यूजिकल के द्वारा लिखा गया है, कमला दास, मुल्क राज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब आंसर नहीं होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फ्रेंड्स। फाइंड द फिगर्स ऑफ स्पीच इन टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, बताएंगे इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, बताएं फटाफट। पहला पार्ट दूसरे का विरोध कर रहा है ना, आपको बताया गया है टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, आप इसको ऐसे अलग कर लें,
एक पार्ट कह रहा है कि गलती करना मनुष्य का काम है, दूसरा पार्ट कह रहा है क्षमा करना ईश्वर का काम है, यानी गलती मानवीय है और क्षमा दैवीय है। तो पहला पार्ट जब दूसरे का अपोज करे तो यहाँ पर एंटी थीसिस होता है। अगर वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता तो आप एसोनेंस करते, जो यहाँ नहीं है। मेटाफर में किसी चीज़ को कोई चीज़ कह देना, सिमिली में सो लाइक एज का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। द सब्स्टिट्यूट ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, अभी आपको बताया गया मेटोनमी और सिनेकडॉकी। मेटोनमी और सिनेकडॉकी मिलते जुलते हैं। मेटोनमी में नेम चेंज होता है, मेटोनमी को नेम चेंज कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें सिनेकडॉकी को, तो अ पार्ट अ होल इज यूज्ड पार्ट ऑफ फॉर पार्ट, या अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल, इस तरीके से। तो सिनेकडॉकी होता है। कार के चार पहिए को कहें, कार का नाम ना लें तो कार का कार हो गया। इमेजरी में तस्वीर होती है, आपके मन मस्तिष्क में एक मानसिक छवि बनती है। अलिटरेशन में पन हो, अलिटरेशन में जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ अलिटरेशन भी नहीं होगा, जैसे रास्कल है ना, इस तरीके से रास्कल रास्कल, फुल फैंडम फाइव, तो फा 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 की आवृत्ति हो रही है। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन, ये सब है। लाइटोटीज में नकारात्मक में सकारात्मक बात छिपी होती है, जैसे आई एम नो सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मतलब आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी छोटे मोटे शहर का नहीं नागरिक हूँ, मैं बड़े शहर का नागरिक हूँ, इसका मतलब निकल के आया। अरे मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मतलब मैं सामान्य हूँ। अरे मैं इतना अच्छा, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये सब क्या, ये लाइटोटीज है, निगेटिव में अफर्मेटिव। आई होप आपको सिनेकडॉकी समझ आई होगी। ये रॉबर्ट फ्रस्ट की पसंदीदा फिगर्स ऑफ स्पीच थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल, अभी बताया गया आदमी मूर्ख नहीं है, इसका मींस क्या, नकारात्मक में सकारात्मकता। दो आप लाइटोटीज इसको करें, ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड साथ में होते हैं, पन में एक शब्द के दो अर्थ, मेटोनमी में नेम चेंज। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं बुद्धिमान हूँ, लाइटोटीज हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज प्लेज, तो बताइएगा विलियम शेक्सपियर अपने प्लेज में कौन से वर्स को यूज करते हैं। फ्री वर्स का दूसरा नाम है वर्स लिब्रे, फ्री वर्स का दूसरा नाम है, इसको ओपन फॉर्म भी कहते हैं। ये होता क्या है, ओपन वर्स ये होता क्या है, इसमें आप ऐसे लिख लें नो मीटर नो राइम, ठीक है, नो मीटर नो राइम, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स, ठीक है। अगला देखेंगे ब्लैंक वर्स की तरफ, तो ब्लैंक वर्स हम सभी का होता है आयम्बिक पेंटामीटर बट नो राइम स्कीम, इसको भी ध्यान रखें, मतलब मीटर तो होगा और वो आयम्बिक पेंटामीटर होगा, बट जो राइमिंग स्कीम होगी वो नहीं होगी, ठीक है, तो वो कहलाता है ब्लैंक वर्स। हीरोइक कपलेट की बात करें तो हीरोइक कपलेट जो होता है वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में दो लाइन चलेगी, जो एलेक्जेंडर पोप की अच्छी लाइन, पसंदीदा लाइन, रेस्टोरेशन एज की मानी जाती है। वर्स लिब्रे फ्री वर्स का ही दूसरा नाम है। तो विलियम शेक्सपियर अपने रचनाओं में ब्लैंक वर्स का यूज किए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन टू, यू कैन से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट इज क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है बच्चों, बताएंगे। पहला ऑप्शन देख लें, ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, दूसरा ड्रामा टू बी रेड, तीसरा कह रहा है ड्रामा टू बी एक्टेड इनडोर, चौथा कह रहा है ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। तो क्या गलियों में परफॉर्म किया जाता है क्लोजेड ड्रामा, या बंद कमरे में या घरों में परफॉर्म किया जाता है, कि सिर्फ पढ़ा जाता है, या खुले में परफॉर्म किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पोएटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा ये एक होता है,
क्लोजेड ड्रामा जो होता है वो पढ़ने के लिए परफॉर्म किया जाता है, और जो लिरिकल ड्रामा होता है वो भी पढ़ने के लिए परफॉर्म किया जाता है, बट उसमें म्यूजिकल स्टाइल इंक्लूड होती है तथा कोरस भी इंक्लूड होते हैं जो कि सिंगिंग करते हैं। ये थोड़े से अंतर हैं। तो ये ड्रामा टू बी रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे डायनेस्ट की बात करें, डायनेस्ट से तो ये थॉमस हार्डी का है, ये भी जो है क्लोजेड ड्रामा है। अगर पीबी शैली के प्रोमेथियस अनबाउंड की बात करें तो ये भी क्लोजेड ड्रामा है। और हम सभी और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका प्रोमेथियस अनबाउंड और डायनेस्ट तथा जॉन मिल्टन को कैसे भूल सकते हैं। जॉन मिल्टन का जो सैमसंग एगोनिस्ट है ये हम सभी देखते हैं। सैमसंग एगोनिस्ट 1671 में इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसंग एगोनिस्ट लिखा था, ये भी एक क्लोजेड ड्रामा है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। शैलीज एरियल टू मिरांडा वॉज इंस्पायर्ड बाई शेक्सपियर्स। तो शैली ने जो एरियल टू मिरांडा लिखा है वो कहाँ से प्रेरित होके लिखा है, सोच लें, इम्पोर्टेंट है। एरियल का यूज़ हम सभी कहाँ देखते हैं, विलियम शेक्सपियर करते हैं, द टेम्पेस्ट में देखते हैं ना। साइकोरैक्स एक चुड़ैल होती है जो कि मदर ऑफ कैलिबैन होती है, और कैलिबैन ही सारा जादू करता है। साइकोरैक्स एक मतलब उसकी मदर होती है जो कि पेड़ में होती रहती है, और प्रॉस्पेरो इनको गवर्न करता है। हेमलेट में ऐसा कुछ नहीं है। मैकबेथ में सिर्फ 3 विचेज हैं, यहाँ पर एरियल नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, 3 विचेज यहाँ दिए गए हैं। लव्स लेबर लॉस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये बताएंगे, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन किसका है सबसे पहले ये बताएं, इसके बाद आप बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ ऑफ बोस्टन किसका है, तो इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था नॉर्थ ऑफ बोस्टन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन थे, ठीक है, जो कि आप देखते हैं विल्बर्ट विटमैन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, विलियम फकनर है, और इनका 1874 में जन्म होता है और 1963 में इनकी मृत्यु होती है। इनका पूरा नाम अगर देखें फ्रेंड्स तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम है, जो कि इनके मदर फादर दोनों का नाम इंक्लूड है इनके नाम में, ठीक है। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का है। आया कब था तो इसको देख लें, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन पोएट्री कलेक्शन था जो कि 1914 में आया था 1914 में, और ये बॉयज़ विल भी एक पोएट्री कलेक्शन था जो 1913 में आया था। तो इसका दूसरा टाइटल है बुक ऑफ पीपल, बुक ऑफ ओमेन भी नहीं है, बॉयज विल भी नहीं है, मेंडिंग वॉल भी पोएट्री कलेक्शन था जो कि इनको, मेंडिंग वॉल भी एक इनका पोएम था जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये जो पोएम है सभी विद्यार्थी इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, द कैप्टन इसमें कौन है, तो यहाँ पर कहते हैं ना मेरा कैप्टन पीला पड़ा हुआ है, मेरे कैप्टन के होठ सूखे हुए हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन का एक एलिजी है, और ये अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया था, ठीक है। जे एफ कैंडी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वॉल्ट विटमैन खुद पोएट हैं जिनका पूरा नाम था वॉल्टर वॉल्ट विटमैन, ठीक है, और जे एफ कैंडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गिफ्ट आउट राइट के लिए इन्होंने ही आमंत्रित किया था। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम सभी बात करें वॉल्ट विटमैन की तो और आगे चलें, तो वॉल्ट विटमैन का वो कैप्टन माय कैप्टन एलिजी है, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ भी इनको मिल जाता है, लिप्स ऑफ द ग्रास में आया था, और वंस सेल्फ आई सिंग ये भी इनका एक पोयम है, ठीक है, और देखेंगे आई हेयर अमेरिका सिंगिंग ये सब भी इनका
पैट्रियाटिक लिरिक है, ठीक है। और ये पोयम ये कहाँ के कवि माने जाते हैं अमेरिका के, कब के, तो 19th century के, ठीक है, क्योंकि 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 19वीं शताब्दी में ही ये समाप्त हो गए, ठीक ना। तो ये तरीका ये आपका है व्हेन लिकास, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड, ये भी इनका एक एलिजी है जो कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया था। तो यहाँ पर हम सभी अब्राहम लिंकन करेक्ट आंसर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ मुल्क राज आनंद से कुली इज, सभी लोग जानते हैं मुल्क राज आनंद का कुली ये 1936 में आया था, ठीक है। मुन्नू इसका हीरो है जो 14 साल का बच्चा रहता है और जो एक अंग्रेजन के अत्याचार से क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हो जाती है उसकी। गंगू हम सभी को मिलता है टू लीव्स एंड बर्ड में, ठीक है। और बाखा मिलता है अनटचेबल में, लाखा उसका पिता अनटचेबल में जो कि आया था 1935 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पन क्या है, अपोजिट वर्ड है कि प्ले ऑन वर्ड्स है या पोयम इन फ्री वर्स है कि 14 लाइन पोयम्स है। तो आई होप फ्रेंड्स आप जान रहे हैं ये प्ले ऑन वर्ड्स होता है, मींस एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं तो वो हम सभी पन कहते हैं, ठीक है। पन की अगर हम सभी बात करें तो पन यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर है अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो चल समझ सकते हैं आप कि ये आपके सारे क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस बच्चों छांट के लाए गए हैं आपके लिए, जिसको आप कह सकते हैं दीज क्वेश्चंस आर फिल्टराइज्ड क्वेश्चंस, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और क्लासेस के नोट्स बनाते रहें फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत से विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके और उनकी मदद हो सके और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।